पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में नेशनल हाईवे 10 के पास भूस्खलन, सिलीगुड़ी को गंगटोक और कलिम्पोंग से जोड़ने वाला हाईवे बंद। दिल्ली में एक बार फिर उमस लोगों को सता रही है, पारा 32 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम बारिश होने के आसार। असम के धेमाजी में बांध टूटने से 60 गांव प्रभावित, पहाड़ों से आए पानी में डूबा इलाका। तमिलनाडु और केरल में बारिश से मुसीबत, तमिलनाडु केरल सीमा के कोलेनगोड पोजियूर तटीय क्षेत्रों में अचानक समुद्र का जलस्तर बढ़ा, 50 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, भटकल में नेशनल हाईवे पर जलभराव से आवाजाही हुई मुश्किल। दक्षिणी कन्नड़ में बारिश के कारण गिरी दीवार, 2 लोगों की हुई मौत। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश, चेरुवेल्ली पुल पानी के तेज बहाव में समाया। केरल के कोट्टयम में बारिश का पानी इलाकों में भरा, लगातार हो रही है बारिश। तिरुवनंतपुरम में आज बारिश का रेड अलर्ट, जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया गया। राजस्थान के सीकर में 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदला, 1 हफ्ते तक भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रुक नहीं रहा भूस्खलन, बंदरकोट में गंगोत्री नेशनल हाईवे कल रात से बंद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी में डूबी सड़क पर उतरे विधायक सुमित हृदयेश, जमकर नारेबाजी की। सफाई का कमन बंद करो, बंद करो, बंद करो, नालों की सफाई के पैसे का कमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड के बागेश्वर में शराब के नशे में धुत युवक ने नदी में लगाई छलांग, युवक लापता, रेस्क्यू जारी। हिमाचल में मानसून की बरसात बनी आफत, जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से कई सड़कें बंद है, 140 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, जलस्तर बढ़ने से घाटों का एक दूसरे से संपर्क टूटा। यूपी के कुशीनगर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से उफान पर नारायणी नदी, नदी किनारे के गांव में घुसने लगा बाढ़ का पानी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान पर पहुंची, घाघरा और सरयू नदी के किनारे बसे गांवों में दहशत, प्रशासन का बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ के हालात, पानी में डूबा पुल, कई इलाके बाढ़ की चपेट में। यूपी के मुजफ्फरनगर में थोड़ी ही देर की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में कई फीट पानी भरा, स्कूलों की छुट्टी की गई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।